कहा कि आज जो हमारी पीएम जीएसवाई की सड़कें हैं कि मेंटेनेंस का पैसा हम मांग रहे थे 104 सड़कों का, वो स्वीकृत हुआ है। और दूसरा, हमारे 18,000 हमें आवास और मिले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के, उसका आभार केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर जी का आभार व्यक्त करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मिल के आया, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दूरभाष से बात कर रहे थे, पत्र दे रहे थे, और क्योंकि ये मार्च है, मार्च से पहले पहले पैसे मिलना बहुत जरूरी था। और मुझे हर्ष है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उन्होंने इस राशि को स्वीकृत किया है, मैं उसके लिए मोदी जी का, गिरिराज जी का और सीएम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं नहीं, देखिए, पहले घेर बाड़ के लिए केंद्र सरकार से हमको पैसा मिलता था, लेकिन उसके लिए अभी पीछे उसमें उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन हमने अपने स्रोतों से, राज्य सरकार उसको बहन करेगी, और उसके लिए 130 करोड़ का एक प्रस्ताव हम बजट प्रावधान इसका कर रहे हैं, और उसके माध्यम से गिरबार दी जाएगी। ये देखिए, पिछले दो साल से हम इसके लिए प्रयासरत थे, और हमने तो ये भी कहा था माजा के कि हमें नॉर्थ ईस्ट में कुछ विशेष प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट की सड़कों में मिलती हैं, तो मैंने कहा आज हमारी भौगोलिक स्थिति भी इस प्रकार है, लेकिन मैं बार बार कहा कि मैं आभार करना चाहता हूँ हमने केंद्रीय मंत्री जी का और मोदी जी का, उन्होंने हमारी दिक्कत को समझते हुए ये पैसा रिलीज किया है, और ये भी आश्वस्त किया है कि जितनी और है अभी हमारी और छुट्टी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया लेंथ जो है, उन्होंने कहा कि उसकी डीपीआर भी 31 मार्च से पहले आप देंगे तो पैसा भी हमको मिलेगा और उन सड़कों भी काम मिलेगा। ₹2,288 करोड़ की हमने प्रस्ताव भेजे थे, उसके सापेक्ष में हमारे 1,091 किलोमीटर, जिसमें हमारे 104 मार्ग हैं और जिसकी कीमत 857 करोड़ रुपया अभी फिलहाल स्वीकृत हुआ है, और शेष के लिए हमारी इनसे बातचीत भी है, कल ही मेरी गिरिराज जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक आप जो है आप और प्रस्ताव भेजिए तो इनका मेंटेनेंस का जितना पैसा है वो भारत सरकार देगी। जो इस हमारी जो ग्राम विकास की जो समूह की बहनें हैं जिनकी संख्या लगभग 50,000 स्वयं सहायता समूह आज यहाँ पर चल रहे हैं, लगभग 6 लाख से अधिक बहनें इससे जुड़ी हैं। हमने एक कार्यक्रम लखपति दीदी किया था, हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 तक हमारा राज्य जब 25 साल का होगा हम 1,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, उसके लिए हमने एक जहां समूह की बहनों को उत्पाद बेचने के लिए हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहां भी हमने एक काम और किया कि जो हम मिलेट्स का जो मिलेट्स ईयर्स है और मिलेट्स को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमने कहा कि समूह की बहनों की अप्रोच सीधा घर घर तक होती है, तो हमने कहा है हमारी समूह की बहनें किसान के घर में जाकर उनसे मिलेट्स खरीदेंगी, उसके लिए हम 1.5 रुपया किलो इनको इंसेंटिव देंगे, अगर 1 किलो बड़वा खरीदती है तो 1.5 रुपया उस बहन को हम देंगे, तो उससे जहां किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, और जो हमारा लखपति दीदी बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको भी बल मिलेगा, और 2025 तक मैं तो समझ सकता हूं कि अगर इस योजना को हमने चलाया तो हम 1.25 की बात कर रहे हैं, उससे हमारी संख्या कहीं दे सकती है, तो ये कुछ विषय मैं आपके सामने रखे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।